दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा टिंकी की बहुत चैतानियां करने के वजह से पूजा पहलवान उसे उठा करके नदी में फेंक देती है, जिससे वह डूबने लगती है। इतने में साधु बाबा वहां पर पहुंच जाते हैं और टिंकी की जान बचा लेते हैं। साधु बाबा उसे एक जादुई अंगूठी देते हैं, जिसे पहनकर वह किसी को भी नहीं दिखाई देगी और वह खूब शैतानियां कर सकती है। तो टिंकी उस जादुई अंगूठी को पहन करके पूजा पहलवान के घर उसे परेशान करने जाती है। सो दोस्तों, देखिए इस स्टोरी में आगे क्या होता है। जादुई अंगूठी पहन करके पूरे गांव वालों को परेशान करने लगी रहती। उसकी माँ उसे सुबह से ढूंढने लगी रहती कि टिंकी आखिर गई कहाँ। अरे टिंकी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे गुड़िया, तुमने मेरी बेटी टिंकी को देखा क्या? नहीं देखा। ठीक है, टिंकी पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की भी। इनको सब कुछ सच बताने। टिंकी की माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसे सारे गांव में ढूंढने के बाद एक जगह थकी हारी खड़ी हो जाती है। मम्मा! अरे ये तो मेरी टिंकी बेटा की आवाज है। बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाज कहाँ से आई? मम्मा देखो मैं यहाँ पर हूँ, देखो मैं ये रही। अरे कहाँ बेटा तुम, कहाँ हो? मुझे नहीं दिखाई दे रही। अरे मुझे लगता है ये मैं ना इस रिंग की वजह से मम्मा को दिखाई नहीं दे रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ना मम्मा के सामने ये रिंग निकाल के जाती हूँ, फिर मैं मम्मा को दिखाई देने लगूंगी। टिंकी अपनी जादुई अंगूठी निकाल कर मम्मा को दिखाई देने लगती है। मम्मा! अरे बेटे तुम, ये सब कैसे हुआ? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही थी मुझे? मम्मा मम्मा वो हमारे मोहल्ले की पूजा पहलवान है ना, उन्होंने ना मुझे तालाब में फेंक दिया था, बस इसीलिए मैं उस तालाब में तैरती रही, मतलब डूब गई थी उसमें। फिर एक बाबा जी आए, उन्होंने मुझे बचा लिया और फिर मुझे ये जादुई अंगूठी दे दी। हे भगवान, ये कहाँ की मुसीबत ले आई तू? वैसे भी तेरी शैतानियाँ कम थी क्या जो और शैतानियाँ करेगी अब ये अंगूठी मिल गई तो? अरे मम्मा इसको शैतानी मत समझो, ये तो सियारी है। अरे मम्मा आपको ये अंगूठी बकवास लग रही है ना, एक मिनट रुको, मैं ना तुम्हें अभी इस अंगूठी का जादू दिखाती हूँ। ठीक है चलो दिखाओ। आप मुझे एक थप्पड़ मार के दिखाओ। ठीक है दिखाओ, हम मुझे मार के। ठीक है। कहाँ गई बेटा ऋषिका, कहाँ हो तुम, दिखाई क्यों नहीं दे रही मुझे? अरे कहाँ हो, मुझे नहीं दिखाई दे रही तुम? मम्मा देखो ठीक से, मैं आपके पास ही हूँ। क्या मम्मा मैं आपको सच में दिखाई नहीं दे रही हूँ? अरे कहाँ हो बेटा तुम, कहाँ हो, मुझे नहीं दिखाई दे रही हो? टिंकी अपनी जादुई अंगूठी निकाल लेती है, जिससे वह अपनी मम्मा को दिखाई देने लगती है। अब दी मैं आपको दिखाई। अरे तुम,
अरे भगवान, कब सुधरोगी? ये लड़की भी ना पता नहीं कौन से मूर्ख बाबा जी थे जिन्होंने इस शैतान लड़की को ये अंगूठी दे दी। चलो अब। अरे मम्मा, अभी तो मेरी शैतानी करने के दिन है। अगर मैं शैतानी नहीं करूंगी तो फिर मेरा बचपना कैसा है? ये सब छोड़ो, चलो खाना बना दिया है मैंने, खाना खाने चलो तुम। चलो बेटा, तुम यहीं बैठ जाना और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जाओ बैठ जाओ। अरे मैं ना इस रिंग को हमेशा उंगलियों में ही पहनती हूँ। एक काम करती हूँ, आज ना मैं इसको अंगूठा में पहन के देखती हूँ। इस तरह टिंकी अपने अंगूठे में अंगूठी पहन करके गायब हो जाती है। अरे बेटा, ये कहाँ से आवाजें निकालने लग रही हो? चलो जल्दी आ जाओ और खाना खा लो, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। अरे मम्मा, मैं आपके आ गई तो बैठी हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे बेटा, तुम कहाँ पर हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? अरे मम्मा, आप ठीक से देखो, मैं आपके पास ही तो बैठी हूँ। देखो ना मम्मा, ये बैठी हूँ मैं यहाँ पर। अरे ये आपके हाथ के पास ही तो बैठी हूँ मैं, आपने मुझे हाथ डाल रखा है। अरे तुमने अंगूठी तो नहीं पहनी, चलो अब निकालो, जल्दी से निकालो। अरे मैंने तो ये अंगूठी अंगूठा में पहन लिया, ये तो निकल नहीं रही है। मम्मा मम्मा, मैं क्या करूं, ये निकल नहीं रही है। मैंने तो इसको उंगलियों की जगह अंगूठे में पहन लिया, मम्मा ये निकल नहीं रही है। अब मैं क्या करूं मम्मा? मम्मा कुछ करो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा प्लीज मम्मा निकालो ना इसको। टिंकी और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। टिंकी हमेशा उदास रहती है और वो अपनी गलतियों पे पछताती रहती है कि आखिर मैं इतनी शैतान क्यों थी। टिंकी की माँ टिंकी को वहीं ले जाती है जहाँ पर साधु बाबा ने टिंकी को अंगूठी दी थी। ओम। ओम। अरे क्या हुआ पुत्री? बाबा जी, वो मैं आपको सारी बात बताती हूँ। टिंकी की माँ बाबा जी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसकी बेटी की अंगूठी नहीं निकल पा रही है। ऐसी बात है बाबा जी। अच्छा बाबा जी, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। जब तक माँ मुझे खाना नहीं खिलाती है, मेरी भूख नहीं मिटती है, जब तक माँ मुझे थपथार के नहीं सुलाती है, मुझे नींद नहीं आती है। बाबा जी, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, आप अपनी अंगूठी वापस ले लो। मुझे मेरी माँ से, माँ के पास ही रहना है। मैं अपनी माँ से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, माँ के साथ हूँ फिर भी साथ नहीं रह पा रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अंगूठी, आप ले लो इसको। बेटी, मैंने तुझे ये अंगूठी। बाबा जी, मुझे मेरी बेटी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पुत्री, तुम्हारी बच्ची कहीं नहीं गई, यहीं पर है, ये बेटी है। देखो अभी बताता हूँ मैं तुमको। बाबा जी, कैसे भी करके वो आप अंगूठी रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए वो अंगूठी। हाँ बेटा, तुम्हारा हाथ लाओ, ये अंगूठी दिखाओ। इस तरह साधु जी टिंकी के हाथ से वह जादू अंगूठी को निकाल देते हैं। ये देखो, ये रही तुम्हारी पुत्री। थैंक यू बाबा जी, अब मैं ना कभी शैतान नहीं करूंगी ताकि किसी को नुकसान पहुंचे। अब ना मैं ना अच्छी शरारत किया करूंगी, सबको हंसी आए, सबको अच्छा लगे, है ना मम्मा? हाँ बेटी। अच्छा, ये सही बात बोल रही हो तुम। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं, आपका हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। काश तू बेटी। चलो बेटा, चलो मम्मा जाओ, आप खाना खाना है आपके हाथों का। चलो गरम गरम खाना बना खिला देना बेटी को। ओ इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगी और ऋषिका ने शैतानी करना बंद कर दिया।